वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। ये गाड़ी है महिंद्रा की बलेरो कैंपर। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें स्टेयरिंग में प्ले थी, स्टेयरिंग हमने रिपेयर किया। और एक है ये सेंटर पिन है, इसमें भी प्ले है, इसका बुश गया हुआ है। ये भी हम रिपेयर करने वाले हैं, नया बुश डालेंगे। कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है मैं आपको दिखाने वाला वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक। इसे लगा कर लेना है, इस खांचे में बैठेगी तो जो ये दो 13 नंबर की नट है इसको खोलना है। ये प्लेट के नीचे होता है स्प्रिंग, और इस प्रकार ये ऊपर निकल जाना है। ये पिन होती है इसकी, गेट है, घिस भी है ये। ये देखो यहाँ से ये पिन है घिस चुकी है। और दो इसके जो प्लास्टिक के बुश होते हैं, एक ऊपर साइड होता है, एक नीचे साइड होता है। एक साइड बुश निकल गया और दूसरी साइड यहाँ सील होती है। ये सील होती है और एक ये बुश होता है, दूसरी साइड बुश होता है, ये भी चेंज करेंगे। तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं सारी को। तो ये चीज़ें क्लीन कर लेते हैं, दो चीज़ें, बाकी सामान तो जो नया लेके आए हैं, बाकी सामान है जो ये पिन भी नहीं आई है, बुश भी नहीं आया, तो इसको फिट करेंगे। पहले इसको क्लीन कर लेंगे, धो ली अच्छे से, क्लीन कर लिए इसको। सबसे पहले इसमें लगाएंगे ग्रीस, नीचे वाला यहाँ पे बना हुआ कट, और इसी प्रकार बना हुआ पिन में कट, ये यहाँ पे इसको ऐसे बिठा देना हमने, और इसको लगाएंगे ग्रीस। और एक लगेगी यहाँ पे सील, इसको भी मैं बिठाने वाला हूँ। हमारी वो बैठ चुकी है, और दूसरी साइड इसको घुमा लेंगे इस प्रकार, रांग में बांध लेंगे। ऐसे बांध लेना है। जो दूसरा बुश है ये वाला, यहाँ पे बना हुआ है कट, ये देखो यहाँ पे, और बुश में यहाँ पे कट है। तो ग्रीस लगा के हमने बुश को ऐसे बिठा देना, यहाँ पे कट को कट मैच कर देना हमने। यहाँ पे हमने बिठा दिया बुश, और जो हमारी पिन है इसको भी हमने अच्छे से ग्रीस लगा दी। ये थोड़ा बुश ऊपर उठा लेना है, क्योंकि टेपर है नीचे से, जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो बुश भी टाइट होता रहेगा। ऐसे बिठा देना इसको, और इसके ऊपर लगेगी ये वाली वॉशर। ये पोर्शन नीचे को करना ताकि ग्रीस में घूमता रहे। तो यहाँ पे बना हुआ कट, और यहाँ पे भी एक बना हुआ कट, यहाँ पे बिठा देना इसको। और इसकी यहाँ कॉली है, ये ऐसे बिठा देना, दोनों बोल्टों को कर देंगे टाइट। वो तो ये 13 नंबर के दो बोल्ट है, हमने लगा के इसको टाइट कर देना, बराबर कसने हैं।
ताकि स्प्रिंग हमारा बेंड ना हो जाए साइड को, जोर ना लगे इसका, तो टाइट कर देंगे हम इसको। ये वॉल जॉइंट है एंड है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका हम बूट है जो वो रिप्लेस करने वाले हैं, तो इसको ऐसे इस प्रकार बिठा के और नट को टाइट कर देंगे। ये कट में कट बिठा के ऐसे, तो ये हमारा जो फ्री होना चाहिए और जो प्ले है वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो यही वीडियो थी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।